साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आपको पता है आज करनाल के अंदर महापंचायत है अनाज मंडी में, और पुलिस ने जो है वो जगह जगह पर नाकेबंदी कर दी है और मंडी को भी पूरी तरह से सील कर दिया था। लेकिन अभी अभी मैसेज आया है कि पुलिस सभी नाके जो है वो हटा रही है, किसी नाके पे किसी को रोका नहीं जाएगा। और हमारा आप सब से अनुरोध है कि आपने शांति से मंडी में पहुंचना है, किसी ने हुल्लड़बाजी किसी ने उपद्रव नहीं करना है। रास्ते में कहीं पुलिस खड़ी भी हो तो हमने शराफत से हमने इंसानियत से पेश आना है, और किसी ने कोई किसी तरह का उपद्रव नहीं करना है। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा, अगर किसी भाई ने किसी तरह की गड़बड़ कर दी तो आंदोलन टूट जाएगा और कई तरह के लोग हमारे बीच में आ जाते हैं। अगर कोई भाई गड़बड़ करता है तो हमारे जो उसके साथ में भाई आए हुए हैं उन्होंने तुरंत रोकना है, किसी को कोई गड़बड़ नहीं करने देनी, और सभी अनाज मंडी में शांतिपूर्वक तरीके से आ सकते हैं। पुलिस का मैसेज आ गया है कि वो सारे बैरिकेड हटा रहे हैं, कहीं पे किसी को नहीं रोका जाएगा। सभी भाई करनाल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और वहीं पर जो अगला फैसला है वो लिया जाएगा। संयुक्त मोर्चे वाले भी सभी लोग वहाँ पर आ रहे हैं, तो सभी मिल बैठ के जो फैसला लेंगे वो वहीं पे पंचायत में लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आपको पता है आज करनाल के अंदर महापंचायत है अनाज मंडी में, और पुलिस ने जो है वो जगह जगह पे नाकेबंदी कर दी है और मंडी को भी पूरी तरह से सील कर दिया था। लेकिन अभी अभी मैसेज आया है कि पुलिस सभी नाके जो है वो हटा रही है, किसी नाके पे किसी को रोका नहीं जाएगा। और हमारा आप सब से अनुरोध है कि आपने शांति से मंडी में पहुंचना है, किसी ने हुल्लड़बाजी किसी ने उपद्रव नहीं करना है। रास्ते में कहीं पुलिस खड़ी भी हो तो हमने शराफत से हमने इंसानियत से पेश आना है, और किसी ने कोई किसी तरह का उपद्रव नहीं करना है। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा, अगर किसी भाई ने किसी तरह की गड़बड़ कर दी तो आंदोलन टूट जाएगा। और कई तरह के लोग हमारे बीच में आ जाते हैं, अगर कोई भाई गड़बड़ करता है तो हमारे जो उसके साथ में भाई आए हुए हैं उन्होंने तुरंत रोकना है, किसी को कोई गड़बड़ नहीं करने देनी, और सभी अनाज मंडी में शांतिपूर्वक तरीके से आ सकते हैं। पुलिस का मैसेज आ गया है कि वो सारे बैरिकेड हटा रहे हैं, कहीं पे किसी को नहीं रोका जाएगा। सभी भाई करनाल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और वहीं पर जो अगला फैसला है वो लिया जाएगा। संयुक्त मोर्चे वाले भी सभी लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो सभी मिल बैठ के जो फैसला लेंगे वो वहीं पे पंचायत में लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों जैसा कि आपको पता है आज करनाल के अंदर महापंचायत है अनाज मंडी में, और पुलिस ने जो है वो जगह जगह पे नाकेबंदी कर दी है और मंडी को भी पूरी तरह से सील कर दिया था। लेकिन अभी अभी मैसेज आया है कि पुलिस सभी नाके जो है वो हटा रही है, किसी नाके पे किसी को रोका नहीं जाएगा। और हमारा आप सब से अनुरोध है कि आपने शांति से मंडी में पहुंचना है, किसी ने हुल्लड़बाजी किसी ने उपद्रव नहीं करना है। रास्ते में कहीं पुलिस खड़ी भी हो तो हमने शराफत से हमने इंसानियत से पेश आना है, और किसी ने कोई किसी तरह का उपद्रव नहीं करना है। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक रहेगा, अगर किसी भाई ने किसी तरह की गड़बड़ कर दी तो आंदोलन टूट जाएगा। और कई तरह के लोग हमारे बीच में आ जाते हैं, अगर कोई भाई गड़बड़ करता है तो हमारे जो उसके साथ में भाई आए हुए हैं उन्होंने तुरंत रोकना है, किसी को कोई गड़बड़ नहीं करने देनी, और सभी अनाज मंडी में शांतिपूर्वक तरीके से आ सकते हैं। पुलिस का मैसेज आ गया है कि वो सारे बैरिकेड हटा रहे हैं, कहीं पे किसी को नहीं रोका जाएगा। सभी भाई करनाल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और वहीं पे जो अगला फैसला है वो लिया जाएगा। संयुक्त मोर्चे वाले भी सभी लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो सभी मिल बैठ के जो फैसला लेंगे वो वहीं पे पंचायत में लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।